हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 डिफरेंट वे में कमर की जो प्लीट्स होती है उसे बनाना बताऊंगी। तो जो लोग बिगनर हैं या जिनको बिल्कुल भी प्लीट्स बनानी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी ले ली है और साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, अगर आप कोई फुटवेयर जो हील वाला कैरी करने वाले हो तो उसे भी कैरी कर ले। अब हम साड़ी को ओपन करेंगे और ये जो साड़ी का फैब्रिक है सिल्क का है एंड यहाँ पर साड़ी का ये पल्लू है हमारा। तो हम एंड सिरे से साड़ी ड्रैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये साड़ी का एंड सिरा है, इसे मिड से हम टक करेंगे। हमेशा मैं राइट से टक करती हूँ बट आज मैं मिड से टक कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मोटे हैं ना या फिर जो लोग अभी न्यू साड़ी पहनते हैं और उन्हें चलने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए अगर आप मोटे हो या फिर आप पैर ज़्यादा उठा उठा कर चलते हो तो आप इस तरह से मिड से टक करें। और 1 राउंड लेते हुए पहले हम राइट साइड टक करेंगे, इसके बाद बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टक कर लेंगे। अब इस तरह से आप टक करोगे तो आपको चलने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से टकिंग हो जाने के बाद हम साड़ी का जो ये पल्लू है ना इसे बनाएंगे। तो ये हमारे साड़ी का पल्लू पार्ट है, इसको इस तरह से गैदर करेंगे और बैक से घुमाते हुए सामने हमको लेकर आना है। ये देखिए, साड़ी आपकी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, आप एकदम अच्छे से चेक कर लो। अब हम साड़ी का जो पल्लू है ना इसे ओपन कर लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम प्लीट्स बनाएंगे, तो इस तरह से दोनों सिरों को पकड़ लें और यहाँ पर प्लीट्स बनाना स्टार्ट करें। देखिए, फर्स्ट प्लीट आपको चौड़ी रखनी है थोड़ी सी और उसके अकॉर्डिंग बाकी के प्लीट्स हम हल्की सी पतली लेते हैं, ताकि अंदर अनइवन प्लीट्स होना तो वो ढक जाए। तो इस तरह से हम प्लीट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, बॉर्डर आपका हमेशा बाहर के साइड इसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए। अब इसे हाथ में लेते हुए इस तरह से अच्छे से छटकते हुए सभी प्लीट्स को इक्वल कर लेंगे। अब ये इस तरह से इक्वल हो गई है, इसे अच्छे से छटकते हुए हम अरेंज करेंगे। तो देखिए, 1 बाय 1 हम प्लीट्स को पकड़ के छटकते हुए अरेंज करेंगे ना, बहुत ही ईजिली से अरेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसे हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखेंगे और दूसरे वाले हैंड से पकड़ लेंगे, जो हमारा लेफ्ट वाला हैंड है, और राइट वाले हैंड से हम फिर से अपनी प्लीट्स को यहाँ पर अरेंज करेंगे। सेम प्रोसेस से देखिए, 1 बाय 1 इस तरह से प्लीट्स को लेते हुए छटकते हुए मैं अरेंज कर रही हूँ। तो इतना पार्ट फिर से हमारा रेडी हो गया है। वापस से इसे हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं घुटने से थोड़ा सा नीचे रखती हूँ पल्लू की लेंथ एंड इसके बाद अपने ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन के हब से सिक्योर करेंगे। अब यहाँ सेफ्टी पिन देखिए, हमें शोल्डर के 1 या 2 इंच बैक में लगाना होता है। अगर आप सामने लगा दोगे ना तो बिल्कुल भी मतलब ख़राब हो जाएगी ये, जब आप झुकोगे तो आपका पल्लू बार बार सामने की तरफ गिरने लगेगा। अब ये जो प्लीट्स है ना, यहाँ पर अच्छे से इसे चेक कर लेंगे, हमारी एक भी पल्लू की जो प्लीट से छूटी तो नहीं है, और इसे अरेंज करके एक बार छटक देंगे। अब ये जो अंदर वाला बॉर्डर है ना पल्लू वाला हमारा, इसको इस तरह से लेते हुए चेक करते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे। आपका बॉर्डर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और यहाँ टाइटली से आपको लेते हुए देखिए इस तरह से रखना है। आप यहाँ जितने अच्छे से सेट करोगे आपका लुक उतना ज़्यादा फिटेड नज़र आएगा। अब यहाँ टाइटली से सेट कर लेने के बाद एक सेफ्टी पिन लेंगे और देखिए राइट वाले लेग तक लेके गई हूँ मैं, और यहाँ पेटीकोट को लेते हुए मैं जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, यानी कि जैसे हम स्टिचिंग करते हैं वैसे, ताकि हमारी साड़ी बिल्कुल भी ना फटे। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन लगाओगे, आपकी साड़ी नहीं फटेगी। अब देखिए, थोड़ा सा नीचे से ना हम फैब्रिक को लेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके और यहाँ अपने पेटीकोट में टक कर लेंगे। इस तरह से टक कर लेने के बाद आपका जो लुक है ना वो एक्स्ट्रा फिटेड नज़र आएगा। अब ये जो साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं राइट हैंड से पहले प्लीट्स ले रही हूँ। नेवल के 4 अंगुल जाते हुए फर्स्ट प्लीट आपको चौड़ी रखनी है इस तरह से, और देखिए इसके अकॉर्डिंग ना अब मैं बाकी की प्लीट्स पतली बनाऊँगी। ये राइट हैंड वालों के लिए है। अभी मैं आगे आपको और 2 तरीके दिखाने वाली हूँ, बहुत ही ईजी वे है, आप कोई भी ट्राई ऑन कर सकते हो तरीका। तो इस तरह से देखिए, हमने प्लीट्स बना लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, जो कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे हम छोड़ देंगे और यही वाला तरीका देखिए अब अपने राइट वाले यहाँ लेफ्ट वाले सॉरी हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट इसमें तो कोई प्लीट्स हमको चौड़ी पतली नहीं रखनी है, बस आपको इक्वली प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर देना है सामने से ही। तो ऐसे हम सभी साड़ियों की 1 बाय 1 प्लीट्स बना लेंगे। तो जो लोग लेफ्ट हैंड वाले हैं वो इस तरह से प्लीट्स बनाएं,
अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट प्लीट है वो नहीं बन रही, तो उसे हम ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे। ये देखिए इसे खोलेंगे और बाद में इसे बाकी की प्लीट्स लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को प्लीट्स बनाएंगे। तो ये प्लीट्स हमारी चौड़ी हो गई और इसके अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट्स पतली। तो ये हो गया हमारा तरीका, जो बहुत ईजी है लेफ्ट हैंड वालों के लिए। अब मैं आपको सेकंड तरीके से प्लीट्स बनाकर दिखाती हूँ, जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो नेवल के ठीक सामने से देखिए इस तरह से सभी फिंगर का प्रयोग करते हुए फोल्डेड हमारी प्लीट्स बनती हैं। इसे हमें खोलना होता है। तो देखिए हमने प्लीट्स बना ली, इस तरह से खोलेंगे ना तो ये देखिए ये अरेंज हो गई। ये भी बहुत ईजी तरीका है। अब यहाँ भी हम फर्स्ट प्लीट को चौड़ी कर लेंगे, क्योंकि राइट साइड की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है इसमें आपको ले लेना होता है। अब इसे हमेशा की तरह आपको बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए एक बार अरेंज करना है। अब देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा। अब मैं आपको थर्ड तरीका दिखाती हूँ, जिनको बिल्कुल भी यहाँ पे प्लीट्स बनानी नहीं आती है। तो देखिए ये सामने अपने टमी पे आपको इस तरह से फोर फिंगर को रखना है और जितनी चौड़ी या पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग फिंगर को फैलाते हुए यहाँ पर हम वन बाई वन प्लीट्स बनाएंगे। तो जिन लोग को बिल्कुल भी प्लीट्स बनानी नहीं आती है ना, वो इस तरह से ट्राई ऑन कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लीट्स फर्स्ट वाली नहीं बन रही थी, तो उसे हम छोड़ देंगे और राइट साइड की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए इस प्लीट्स को हम चौड़ी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लीट्स हमारी कितनी अच्छे से बन गई ना। जब भी आप प्लीट्स बना लें तो एक बार ऊपर से सभी प्लीट्स को इक्वल ज़रूर कर लें, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए इक्वल कर लिया है हमने और साइड से हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए अरेंज किया है मैंने। अब यहाँ जहाँ आपको टक करना है ना, वहाँ आप मेज़र कर लो कितनी साइड टक करनी है और फाइनली वहाँ हम इसे अरेंज करेंगे हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए। अब देखिए अपने नेवल के ठीक सामने पेटीकोट में हमें इसे टक करना है। इस तरह से हमने टकिंग कर लिया है। अब देखिए हमारी प्लीट्स कितने अच्छे से यहाँ पर बन गई है, लेकिन इसे हम अभी सेट करेंगे। उससे पहले ना यहाँ वाला जो फैब्रिक है ना, इसे आपको अच्छे से मैनेज कर लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो इस तरह से फर्स्ट प्लीट को पकड़ ले और इसे अच्छे से टकिंग करते हुए राइट साइड की तरफ लेकर जाकर छोड़ दे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो मैंने ऑलरेडी बताया उसे कैसे मैनेज करना है, पर मेरा बहुत ज़्यादा देखिए एक्स्ट्रा नहीं आया तो मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ। अब ये जो सामने की प्लीट्स है ना, इसे भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेंगे और पेटीकोट को लेते हुए इन सभी प्लीट्स को यहाँ पर सिक्योर करना है। ये ऑप्शनल है, जो लोग को दिन भर के लिए साड़ी वेयर करनी है या फिर जिनकी प्लीट्स बार बार खुल जाती है ना, ये उनके लिए है। वो इस तरह से लगा लेंगे तो प्लीट्स सिक्योर हो गई है। अब हम प्लीट्स को देखिए इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे झुकते जाएंगे और वन बाय वन प्लीट्स को पकड़ते हुए खींचते जाएंगे। तो ये देखिए सेट होती चली जाती है, सॉफ्ट फैब्रिक है इसलिए ये सेट हो रही है बहुत ईजी से। तो सेम प्रोसेस से अगर कॉटन की साड़ी हो तो भी आप सेट कर सकते हैं ऐसे ही। अब लास्ट में इसे हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे तो देखिए हमारी प्लीट्स यहाँ पर सेट हो गई है। और यहाँ पर देखिए ये जो सामने वाली प्लीट्स है ना हमारे पल्लू की, इसे भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ऐसे हम सभी प्लीट्स को अच्छे से मिरर में चेक करते हुए अरेंज कर लेंगे और इसी के साथ हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे, मेरा रैपिंग स्टाइल पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप चाहो तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।